नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NCERT मैथ क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 8। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इससे पहले के सभी सवाल हमारे चैनल पर पढ़ा दिए गए हैं। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से सारे सवाल देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। मतलब सवाल में कह रहा है कि एपी एक हमारी है जो, तो एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यस, 51 निकालना है, 51 पदों तक योग निकालना है हमें। और आगे कह रहा है जिसका दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा पद 14 है और हमारा तीसरा पद जो है A3 वो कितना है दोस्तों, वो हमारा है 18। ये है, ठीक है। ये क्या पदों का योग पूछा गया, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि n वां पद के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a+n-1 × d। ये हमारा सूत्र होता है n वां पद के लिए, ठीक है। ये हमारा n वां पद के लिए फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए दूसरे पद के लिए बात करें तो a2 हो जाएगा हमारा, a2 बराबर a+2-1 × d, यही तो हो जाएगा। मतलब a2 का वैल्यू 14 बराबर हमारा हो जाएगा a+d, समीकरण उसको मान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, हमने क्या किया, A2 का वैल्यू निकाला, हमें A3 का वैल्यू निकालने तो हो जाएगा A3 बराबर A+ यहाँ पर 3-1 का बना लीजिएगा (2d), मतलब A3 का वैल्यू देगा 18, तो 18 बराबर आ गया है हमारा A+2d, इतना आ गया है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इनको देखिए सॉल्व करेंगे। AB का वैल्यू निकालना है पहले हमें, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर लीजिएगा। पहला समीकरण है कि A+d बराबर 14, दूसरा समीकरण A+2d बराबर 18। सॉल्व करते हैं इसको, समान चिन्ह तो लिखेंगे घटाने पर, घट गया यहाँ से, ये खत्म तो खत्म हो गया यहाँ से। माइनस का डी बराबर माइनस का 4 आ गया है, मतलब डी बराबर दोस्तों निकल के आ गया है 4। डिफरेंस हमारा कितना गया, 4 आ गया है। अब हमें मान निकालना है ए का, समीकरण एक से निकाल लेते हैं यहाँ से, देखिएगा समीकरण एक क्या कह रहा है कि 14 बराबर है हमारा a+d, तो है डी का मान रखेंगे 4, हो जाएगा 14 बराबर a+4। दोस्तों a का मान निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा, 14-4 बराबर 10। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब a का वैल्यू कितना आ गया है, a का वैल्यू हमारा आ गया है 10 आ गया है, ठीक है। आगे अगर बात करें हम, हमें निकालना है 51 पदों का योग, ये निकालना है। आप जानते हैं देखिएगा कि n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग अगर निकालना है तो क्या होता है, होता है यहाँ पर देखिएगा n=2 होता है n/2 × 2a+n-1 × d होता है। ये कहाँ तक होता है, इन पदों का योग होता है। अब हमें निकालना है 51 पदों का योग, ये निकालना है, देखिएगा ये कह रहा है 51 पदों का योग, वो कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि s=51 बराबर 51/2 तो 2a का वैल्यू आया 10, ठीक है, प्लस इनका वैल्यू 51-1 × d का वैल्यू कितना है दोस्तों 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो 51 देखिएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा कि 51/2 और 2 × 2 = 20 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 51 से जाएगा 50 × 5 क्योंकि 200 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 51/2 × 220, काट लीजिएगा इसको तो जाएगा 2×11/22, मतलब आ गया है हमारा कि 51×110, इतना आ गया है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, गुणा कर लेते हैं इसका, 110 का 51 में, तो 110 का गुणा करना है हमें 51 में, तो 1 का 0 में 0, 1 1 यहाँ से देखिए 5 का करेंगे तो 0 × 5 = 5, 5 × 5, मतलब हो जाएगा 0 1 6 5 5610। दोस्तों हमारा आ जाएगा बराबर 5610, ये आ गया है। हमने क्या निकाला है, पूछ रहा था कि 51 पदों का योग निकालेगा, तो दोस्तों इस प्रकार से निकाले 51 पदों का योग, मतलब आ गया है हमारा 51 पदों का योग कितना है, 5610 है, इतना आ गया, क्या मतलब 5610 है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सवाल समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारा कह रहा है, तो सवाल को समझते हैं, कह रहा है सवाल में कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ये कह रहा है कि प्रथम 7 पदों किसी एपी के तो 7 पदों तक योग जो है 49 है, ये 7 का मान 49 दिया गया है। और कह रहा है 17 पदों का योग 289, 17 पदों का योग दोस्तों जो है वो 289। अब कह रहा है कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, एस एन निकालना है हमें, एस एन की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना है। देखिएगा आप लोग जानते हैं कि एपी जो होती है कि एपी के n पदों का योग क्या होता है हमारा, बताइएगा
इस सूत्र हमारा बताया था मैंने आपको कि एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस सूत्र से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए एस सेवन का लिए एन बराबर सेवन पर तो हमारा क्या आ जाएगा वो देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एस सेवन इक्वल टू आ जाएगा सेवन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी, यही तो आ जाएगा। आगे सॉल्व करें तो उसको देखिएगा एस सेवन का वैल्यू हमें देखिए उनचास, तो रख लेंगे यहाँ पर देखिएगा उनचास बराबर सात बटे दो, यहाँ पर देखिएगा दो ए प्लस का ये छः डी इतना हो गया। अब देखिएगा यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं उनचास बराबर सात बटे दो, दो अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा ए प्लस थ्री डी, दो से दो खत्म सात से भाग कर दिएगा तो जाएगा उनचास बटे सात बराबर हमारा जाएगा ए प्लस थ्री डी, सात सत्या उनचास, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आ गया है ए प्लस थ्री डी बराबर सात, समीकरण को एक मान लेते हैं। ठीक है, एंड आपने क्या रखा था सात रखा था यहाँ पर, तो इतना आ गया है। अब रखने है सत्रह, देखेंगे यहाँ पर कि एन बराबर सत्रह रखने पर एन का वैल्यू सत्रह रखेगा तो हो जाएगा हमारा एस सत्रह बराबर सत्रह बटे दो इंटू टू ए प्लस सत्रह माइनस का एक इंटू ए डी, इतना हो जाएगा। एस सत्रह का वैल्यू दिया गया है दो सौ नवासी, तो दो सौ नवासी बराबर सत्रह बटे दो इंटू टू ए प्लस का ही सोलह डी हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो जाएगा दो सौ नवासी बराबर सत्रह बटे दो गुणा का दो लगा लीजिएगा निकाल लीजिएगा तो ए प्लस बचेगा आठ डी, दो से दो दोस्तों कैसे सत्रह भाग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दो सौ नवासी बटे सत्रह बराबर आ जाएगा ए प्लस आठ डी, सत्रह का वर्ग होता है दो सौ नवासी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आ गया है ए प्लस आठ डी बराबर सत्रह। दोस्तों हमारे देखिए दो समीकरण मिल गए यहाँ से, अब हमें क्या करना है इन दोनों समीकरण को हल करके ए और डी का वैल्यू निकालना है, ए और डी का जब वैल्यू निकल आएगा तो एस एन का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इतना काम करना है। तो देखिएगा समीकरण एक बार दो को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं सवाल में। तो लिखेंगे समीकरण एक व दो को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर हल कर लीजिएगा तो हो जाएगा हमारा कि ए प्लस थ्री डी बराबर सात और ए प्लस ये आठ डी बराबर सत्रह, इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा घटाने पर। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म। यहाँ से कितना गया माइनस का पाँच डी बराबर माइनस का दस, माइनस से माइनस कैसे पाँच 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 दस डी बराबर दोस्तों आ गया है हमारा दो, डी का वैल्यू दो निकल के आ गया है समीकरण एक से। समीकरण एक से हमें दिया गया है कि ए प्लस थ्री डी बराबर सात, यहाँ चलिए हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं तो थ्री इंटू टू हो जाएगा, दो निकल गया है बराबर सात, तो ए प्लस छः तीन दो छः बराबर सात, तो दोस्तों इस प्रकार से ए बराबर आ जाएगा हमारा एक। हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, डी का वैल्यू निकाल लिया समीकरणों से। अब हमें निकालना एस एन का वैल्यू, ये तो निकालना था हमें, क्या निकालना था दोस्तों, हमें निकालना था एस एन का वैल्यू। अब देखिएगा आप जानते हैं हमें निकालना है एस एन का वैल्यू, दोस्तों देखिएगा आप जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है एस एन बराबर, हमें ये निकालना है। ठीक है, कितना होगा पूछा था, एन पदों का योग कितना होगा, एन पदों का योग के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, एन बटे दो का तो ऐसे रखेंगे इंटू टू ए का मान एक प्लस एन का मान पता नहीं है माइनस का वन इंटू डी का मान दोस्तों कितना है दो, इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा बस, तो हो जाएगा हमारा एन बटे दो इंटू दो एकन दो प्लस दो एन माइनस का एक, दो दो एकन दो इतना हो जाएगा, गुणा कर लिया हमने इसका दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा एन गुणे दो एन बटे दो, दो से दो कैंसिल आ जाएगा एन स्क्वायर, तो दोस्तों एन पदों का योग ऐसे कितना गया हमारा एन स्क्वायर आ गया है। सवाल में क्या कह रहा था, सवाल को पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर सवाल कह रहा था कि यदि किसी ए पी के प्रथम सात पदों का योग 49 है, प्रथम सत्रह पदों का योग 289 है तो एन पदों का योग कितना होगा, तो इसके दोस्तों एन पदों का योग कितना होगा एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए पूछा गया दो पदों का योग कितना होगा तो दो दूनी चार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बल हो जाएगा, जितने पद पूछा जाएगा उसका क्या बल हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 साल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दर्शाए कि ए वन ए टू ए एन से एक ए पी बनती है, हमें ए पी निकालना है और क्या है इसकी, यदि ए एन नीचे दिए हुए अनुसार प्रकाशित है। पहला सवाल कह रहा है कि ए एन बराबर तीन प्लस चार, इसका मतलब क्या है कि आपको एनवा पद दिया गया है और आपको दोस्तों ए पी निकालनी है। ठीक है, अब कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पंद्रह पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग भी निकालना है, पहले ए पी निकालते हैं इसके बाद योग निकालेंगे। हमें एनवा पद दिया गया है तीन प्लस चार, अगर हम पहला पद निकाल लें तो ए वन हमारा कितना जाएगा, एन बराबर रखेंगे मान रखेंगे एन बराबर एक कामा दो कामा तीन चार पाँच क्रमशः रखने पर, तो एन का मान रख लीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा ए वन बराबर हो जाएगा हमारा तीन प्लस चार गुणा एक, मतलब तीन प्लस चार बराबर आ जाएगा सात, ये ए वन आ जाएगा। अगर हम निकालें ए टू का मान तो कितना आ जाएगा, तीन प्लस चार गुणा दो, चार दूनी आठ तीन ग्यारह, तीन प्लस आठ ये बराबर आ जाएगा ग्यारह।
ठीक है, इस प्रकार से ए थ्री का मान निकालें तो कितना जाएगा, तो जाएगा 3 + 4 × 3, तो जाएगा 3 + 3 = 12, 12 × 3 = 15। आगे अगर बात करें तो कितना जाएगा, ए फोर का अगर वैल्यू निकालें तो जाएगा हमारा 3 + 4 × 4, तो जाएगा 3 + 4 = 16 × 3 = 19। ठीक है, इस प्रकार से अगर निकालें ए फाइव तो कितना जाएगा, बराबर 3 + 4 × 5 = 3 + 4 = 20 = 23। दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या निकाला है, ए पी निकाल लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ए पी क्या आ जाएगी वो बात करते हैं, तो हमारी ए पी दोस्तों आ जाएगी इसमें 37 = 11 = 15 = 19 = 23। दोस्तों इस प्रकार से हमारी तो ए पी आ गई है। सवाल में क्या था, ए पी ज्ञात कीजिए, ए पी ज्ञात कर ली। अब गया इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का हमें योग निकालना है। देखिएगा हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि पहला पद हमें दिया गया है 7। ठीक है, सावंतर निकाल लेते हैं कितना जाएगा, यहाँ पर 11 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, सावंतर आ गया हमारा दोस्तों 4। अब निकालना है हमें प्रथम 15 पदों का योग, इस 15 के वैल्यू निकालना है हमें, बस प्रथम 15 पद ये तो हो जाएगा योग। अब देखिएगा आप लोग जानते हैं फॉर्मूला हमारा होता है कि एस एन बराबर एन बटे 2 × 2a + n - 1 × d से, ये हमारा फॉर्मूला होता है, निकालिएगा वैल्यू तो हो जाएगा एस 15 = 15/2 × 2 × a का वैल्यू 7 + n = 15 - 1 × d का वैल्यू 4। इतना सॉल्व हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 15/2 = 7 × 14 + यहाँ पे 14 × 4 ही तो हो जाएगा, क्योंकि जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं यहाँ पर, तो बराबर 15/2। ठीक है, यहाँ पर 14 + 4 = 56, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो बराबर हो जाएगा हमारा कि ये 15/2 × यहाँ पे कितना जाएगा 56 + 4 = 60, 70 आ जाएगा, इसका मतलब है 235 आ जाएगा। तो हमारा ये आ गया है एस 15 का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया है, 15 पदों का योग कितना आ गया है हमारा, आ गया है 15 × 35। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 15 × 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 × 45 = 7 = 52। दोस्तों ये आ गया हमारा 525। इस प्रकार से हमारा 15 पदों का योग आ गया है 525। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिएगा हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि a = 9 - 5n, इसके लिए सबसे पहले हम ए पी ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 15 पदों का योग निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः लिखने पर। ठीक है, तो एन का मान लिखिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हमें मान दिया गया है एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः रखने पर, मान लिखिएगा तो हो जाएगा हमारा पहला पद कितना जाएगा, ए वन बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 1, इसका मतलब क्या है कि 9 - 5 = 4, पहला पद दोस्तों कितना जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम ए टू का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 9 - 5 × 2 मतलब 9 - 10 बराबर आ जाएगा -1। अगर दोस्तों ए थ्री का वैल्यू निकालें कितना जाएगा, 9 - 5 × 3 बराबर 9 - 15, तो दोस्तों कितना जाएगा -6। अगर दोस्तों चौथा वैल्यू निकालो कितना जाएगा हमारा, 9 - 5 × 4 तो आ जाएगा 9 - 20, दोस्तों कितना जाएगा -11। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये पी निकल आएगी। और थोड़ी देखिए आप अगर चाहें तो पाँचवा पद भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो पाँचवा पद निकालेंगे ए फाइव बराबर कितना जाएगा, 9 - 5 × 5 बराबर 9 - 25। ठीक है, अब देखिएगा 25 से हम लोग कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर 16, तो इस प्रकार से दोस्तों आ जाएगा हमारा। अब देखिएगा हम लिखते हैं ए पी हमारी क्या आ गई, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसलिए लिख लेते हैं कि हमारी ए पी निकल के क्या आ गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ए पी निकल के आ गई है 4 - -1 - -6 - 11 - -16 डाटा, इस प्रकार से हमारी ए पी निकल के आ गई है। अब हमें निकालना है 15 पदों का योग। अब देखिएगा यहाँ पर हमें पहला पद दिया गया है ए बराबर 4, पहला पद दिया गया है 4 दिया गया है, हम निकाल लें सावंतर डी कितना दिया गया, दूसरे पद से पहला पद घटा लीजिएगा तो दोस्तों कितना जाएगा, डी बराबर -5 जाएगा, ये हमें अंतर दिया गया है। ठीक है, सावंतर हमें दिया गया है। अब पूछा गया हमसे यस क्या रहा, मतलब इस 15 पदों का योग पूछा गया है। आप लोगों को एक चीज़ मालूम है कि एन पदों का योग दोस्तों क्या होता है, मालूम है आपको, ये होता है हमारा कि एस एन बराबर एन बटे 2 ठीक है × 2a + n - 1 × d होता है। निकालना है 15 पदों का योग। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एस 15 = 15/2 2 × a का वैल्यू 4 + n का वैल्यू 15 - 1 d का वैल्यू दोस्तों -5। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आंसर पाइएगा तो 15/2 2 × 8 प्लस यहाँ 14 × -5 इतना हो गया है। अब देखिएगा 15/2 यहाँ पर 8 × 14 = 70 -70, इसको सॉल्व कर लेते हैं हो जाएगा 15/2 ठीक है, यहाँ कितना बचा है 62 ये तो बचा है, 2 से काट लीजिएगा 31 भाग गया दोस्तों आ जाएगा हमारा। देखिएगा यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं इधर साइड में। अब देखिएगा इस प्रकार से हमारा आ गया है कि 15 पदों तक योग, यस 15 बराबर मैंने वैल्यू आया है
15 गुणे माइनस का 31, गुणा कर लीजिएगा तो 15 एक 15 की 5 आंसर लगाए, 15 45 46, 465 वो भी किसका, माइनस का। तो 15 पदों का दोस्तों योग आ गया है हमारा माइनस का 465। दोस्तों इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 10 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे के सवाल आपको अगली वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।